दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है आप देख सकते हैं टाटा पावर कंपनी। तो टाटा पावर आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के एक बड़े से कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, टाटा पावर के ऊपर सबसे जो बेहतरीन पॉइंट है कि टाटा पावर के ऊपर लगातार लगातार कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है, जिसके चलते टाटा पावर लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। और इस कंपनी के ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया उस बेसिस में टारगेट रखा 1:3 रेशियो का, मतलब 1% का लॉसेस और 3% का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। तो ऐसे टारगेट क्यों मैंने सेट किया, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको चार्ट इसके न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं टाटा पावर आर्म्स कमीशंस 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान में कंपनी का फिर से 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मतलब सोलर का प्रोजेक्ट मिला कंपनी को। तो जिसके चलते कंपनी के पॉजिटिविटी और भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर, मतलब टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो किसके सब्सिडरीज है, टाटा पावर का। तो डायरेक्टली टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जितना काम करेगा वो डायरेक्टली फायदा टाटा पावर का होगा। तो कमीशन ऑन 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान एंड टाटा पावर ट्रेडिंग मतलब अकाउंटिंग सॉरी अकॉर्डिंग टू द रिलीज फाइल्स दैट द विद विद इंडियन मतलब जो बॉरियर्स है उसके ऊपर यहाँ पे मंडे के दिन इस तरीके से न्यूज आया था। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो टोटल मिलियन यूनिट जनरेट किया जाएगा इस 200 मेगावाट के, द सोलर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू द जेनरेट 485 मिलियन यूनिट, और वो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो एक बेस्ट तरीके से फिर से टाटा पावर का एक प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते टाटा पावर में एक धमाका देखने को मिला है। अगर टाटा पावर के मैं टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, देखिए जब भी न्यूज़ आया उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग जंप देखने को मिला। पहले से ही मैं एक एंटी लिया हूँ किस बेसिस में, वो मैं आपको बता दूँ। एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ था, इस रेंज क्रिएट होने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट किया उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद देखिए एक कैंडल बना, जिस कैंडल शायद आपको रेड कैंडल दिखे मगर कैंडल कुछ इस तरीके से बना, इसको कहा जाता है एक हैमर जैसे कैंडल। और हैमर कैंडल यहाँ पे बनने के बाद उस लेवल से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए प्रीवियस हाई को वो क्या क्या ब्रेक किया। तो प्रीवियस हाई को जब ब्रेक किया तब भी एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो फाइनली ऊपर जा रहा है। और मेरा जो टारगेट है वो 1:3 रेशियो का 30% के आसपास मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, 455 रुपीज़ का टारगेट है मेरा। तो इस तरीके से मैं टारगेट को फॉलोअप करके चलता हूँ। तो टारगेट लेने का सिर्फ यही मकसद नहीं था कि कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ। जैसे कंपनी के रिजल्ट देखेंगे तो इस बार हाईएस्ट कंपनी का सेल्स और उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस को मिटाने के बाद अच्छा खासा हाईएस्ट प्रॉफिट भी जेनरेट हुआ। तो जब प्रॉफिट अच्छा इतना अच्छा हुआ, सेल्स भी इतना अच्छा हुआ, तो कंपनी बेस्ट तरीके से सिचुएशन को आगे बढ़ाया। तो सारा चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिएगा और इसी तरीके से आपको स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो बाकी टाटा पावर के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये भी एक एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। मान लेता हूँ कंपनी एक BSE में लिस्टिंग है, फिर भी इस कंपनी जो धमाका दिया वो देखने के लायक है, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का जो हाई लेवल है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी 2600% के आसपास रिटर्न दिया। तो 2600% कहना भी गलत होगा, क्योंकि कंपनी के टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 3000% से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न जनरेट कर दिया, वो भी कोविड के बाद। मतलब कोविड के बाद इस कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक्चुअली कोविड के बाद अगर रिकॉर्ड देखने को मिले तो कंपनी का एक्चुअली लेवल इस लेवल तक होगा। तो कंपनी का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो कंपनी की रिटर्न एक्चुअली कोविड के लेवल से मैं अगर टोटल मार्किंग करके इसको देखूँ तो ऑलमोस्ट 24,000% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। 24,000 मतलब 240 गुना, तो 240 गुना से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर क्या यहाँ से भी और भी जर्नी हो सकते हैं, और भी ऊपर जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले कंपनी किस तरीके से जर्नी किया वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए
कंपनी जो ऊपर गया वो अपर सर्किट लगाकर, ऐसे नहीं कि आप बीच में ट्रेड कर पाए, तो लगातार वो अपर सर्किट लगाकर ही ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद देखिए जब जब वो करेक्शन हो रहा है, आपको शायद लग रहा है कि रेड कैंडल बहुत छोटा है, मगर यहाँ पे छोटा रेड का नहीं नहीं है। अगर मैं टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 8 से 10% तक एक कैंडल में गिरावट देखने को मिला। देखिए बहुत वोलेटिलिटी कंपनी है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, और दूसरी बात हाई रिक्सी कंपनी जरूर है क्योंकि कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस का आपको दिखाऊंगा। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम है। 12 GW का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना चुके हैं, और सोलर पैनल भी कंपनी बनाते हैं जिसको बेचते भी है। तो कंपनी के बिजनेस जो मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक है, ये बात में कोई भी डाउट नहीं है। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपनी का परफॉर्मेंस कितना सही है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपनी का प्रोजेक्ट जो है, कंपनी सोलर चार्जिंग स्टेशन से लेकर पावर सोलर पैनल्स से लेकर सोलर बनाने तक कंपनी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी 18,000 करोड़ का कंपनी है और पी रेशियो बहुत हाई है। क्यों ना हाई हो, कंपनी लगातार जो हाई करते चले जा रहे हैं इसलिए पी रेशियो बहुत हाई देखने को मिला। और कंपनी के जो ROC आ रही है दोनों ही बेस्ट देखने को मिला है क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, इसके चलते है ये दोनों चीज़ अच्छा देखने को मिले। तो कंपनी के मतलब प्रमोटर के होल्डिंग्स भी अच्छा है और डेप्थ भी एकदम ना के बराबर है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। इस बार कंपनी हाइस्ट सेल्स किया और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट एक हाइस्ट लेवल में देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का सिचुएशन बढ़ता हुआ देखने को मिले है। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिजर्व जो एक टाइम नेगेटिव में था, लॉसेस में था, आज वो पॉजिटिव में है और सबसे हाइस्ट है। और बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, उस बेसिस में कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट में मतलब CWIP है वो भी देखिए। कंपनी के CWIP में पिछले बार 80 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया था, इस बार 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया गया। अभी कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद FSDS के पास होल्डिंग नहीं है। हाँ, इस बार DS ने छोटा मोटा क्वांटिटी 0.09% के आसपास होल्डिंग को बढ़ाया है, बाकी सारे मतलब शेयर होल्डर के पास कुछ भी होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी में दम नहीं है, ऑब्वियसली कंपनी में दम है आगे बढ़ने का। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मदार सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदार सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार दिखेगा, मगर कंपनी में बहुत दिनों तक एक रेंज को वो ब्रेक नहीं कर पाए। वो रेंज आपको दिखाने से पहले कंपनी के परफॉर्मेंस आपको बता दूँ, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको पी रेशियो के हिसाब से दिखा दूँ। एक टाइम पी रेशियो था 63 के ऊपर और आज पी रेशियो देखने को मिला करीबन 51 के आसपास। तो एवरेज पी निकल कर रहा है कितना, 53। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड ही है, ओवर वैल्यू नहीं है। तो कंपनी का सिचुएशन वाइज कंपनी अंडर वैल्यूड है। और रही बात कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो रिजल्ट में आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स हर साल कंपनी के सेल्स बढ़ते चले गए। कंपनी के एक भी साल ऐसे नहीं दिखेगा कि जहाँ पे कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ा। तो कंपनी के सेल्स बढ़ा, कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 150 करोड़ से 106 करोड़, उसके बाद 168 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो अगर देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली बोरिंग्स देखने को मिला। और कंपनी के जो इन मतलब जो टोटल बोरिंग्स है वो भी बोरिंग्स को एक ध्यान से इस चीज़ को देखना, पहले जो बोरिंग्स था उसको कम किया है, एक अच्छी बात है। अभी जो बोरिंग्स कम किया, क्या इस पैसे कंपनी खुद के जेब से मिटा सकते हैं? तो उसको देखने के लिए आपको कंपनी के आदर्श एसेट देखना पड़ेगा। तो आदर्श एसेट में आप देखेंगे तो कैश इक्विपमेंट में सिर्फ 16 करोड़ है, मतलब खुद के जेब से वो कर्जे को नहीं मिटा पाएंगे। अगर उसको कर्जे को मिटाना होगा तो उसको रिजर्व को बेचना होगा। फिलहाल के लिए रिजर्व बेचने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, तो कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, तो ग्रोथ तो है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और इसी कारण के वजह से मैंने एक ट्रेड भी लिया था। वो ट्रेड कहाँ पे लिया वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक चीज़ को ध्यान से देखना कंपनी के ऊपर जो रेशियोज है, उस रेशियोज में कंपनी के जो पहले कैश कन्वर्जन साइकिल्स है, कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है, साइकिल्स था 69 के आसपास, वो 64 बन चुके हैं। और रही बात
इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का। तो देखिए कंपनी के ऊपर बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न्स बना था, यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न्स बना। मैं थोड़ा सा जूम छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे कप बना, उसके बाद हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, फिर से ऊपर गया। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 80 रुपीज़ के आसपास, मगर यहाँ पे हो कुछ उल्टा, क्योंकि कंपनी इस लेवल में बहुत स्ट्रांगली एक कंपनी के रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को फेस करके कंपनी नीचे आया, फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से वो फॉल हो रहा है। मतलब इस लेवल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, तो जब ब्रेकआउट करेगा तो कुछ डिसीजन यहाँ पे बनेगा। तो उससे पहले कुछ कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, सॉरी मतलब यहाँ पे कोई भी बेचने का कोई डिसीजन नहीं लूँगा, क्योंकि पहले ही एंट्री मेरा हो चुके हैं। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और इस कंपनी के ऊपर आपका क्या कोई भी ट्रेड है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो में सारे डिटेल्स आपको सीखने के लिए बताए जाते हैं, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर काम करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सूरत सूरत वाला बिजनेस ग्रुप। तो सूरत वाला बिजनेस ग्रुप जो है वो 1500 करोड़ की कंपनी है, और कंपनी के ऊपर धमाका एक रिटर्न देखने को मिला, 186 से 900 तक आपको जर्नी देखने को मिला 1 साल के अंदर अंदर। शायद इसीलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट देने का। 18 तारीख को कंपनी 1 के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।